हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज का दिन आई होप आपका मार्केट जरूर रेड है, लेकिन आपका जो दिन है वो ग्रीन रहा होगा बिकॉज मार्केट ने अच्छी मूव आपको दी है एंड एक तरफा मूव मिली है। इनफैक्ट वोलेटाइल रहा मार्केट बीच में यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद में जो मोमेंटम आया, जो मार्केट ने मोमेंटम देना शुरू किया है वो जबरदस्त, और उसकी रीजन क्या था उसकी भी चर्चा करेंगे। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, पॉज कीजिए और वॉच लेटर लिस्ट में लगा दीजिए। जब आपके पास टाइम है आराम से देख सकते हैं, स्क्रीन लगाकर आपके पास टाइम है तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर गाइस हमने लेवल जो आपको दिए थे, मार्केट ने लेवल्स को फॉलो करते हुए रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट खोली ऊपर की तरफ गई। ये 50% इसका जो लेवल था वहां से नीचे की तरफ आई, रिटेस्ट किया, इस लेवल पे आई। ये लेवल जो था कौन सा था, 47,888, ठीक है। ये लेवल मैंने आपको कल की वीडियो, अगर आपने देखी है फ्री वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मैंने डाली है कि हाउ टू ट्रेड ऑपरेटर्स लेवल। मैंने ये नहीं बताया कि कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने आपको ये भी सिखाया है उसको ट्रेड कैसे करना है, कौन सी कैंडल कैसे, अगर आप देखोगे तो ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहां पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बनाया, लेकिन ये लेवल टूटने के बाद यहाँ पर जो कैंडल स्टिक बनाई शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार के बाद में बूम बाम आराम से हुआ है। साथ के साथ में मैंने एक ये लाइन लगा रखी है, कहाँ पर थी ये वाली रेड कलर की लाइन, ये रेड कलर की लाइन थी गाइस प्रीवियस डे का लो। मैंने आपको एक चीज हमेशा बता रखी है, बताई हुई है टीचर्स डे स्ट्रेटजी के हिसाब से, कि जब जब मार्केट प्रीवियस डे के लो को तोड़ेगा, पीडीएल जब भी ब्रेक होता है या हाई ब्रेक होता है, पीडीएच या पीडीएल प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो जब भी भेजता है तो 50 से 80 पॉइंट का मोमेंटम हमेशा देता है, लगभग ये 130 पॉइंट तो दे ही देता है। मैं सही बताऊं तो मैंने ये नंबर देखा है, अक्सर आता हुआ, तो बैक टेस्ट करके देख लेना चाहे आपको वो भी दिखाई देगा। लेकिन ये देखो यहाँ से मार्केट जब गिरना शुरू हुई है कितने पॉइंट दिए इसने आज, यहाँ से नीचे तक 400 पॉइंट्स का, 400 पॉइंट्स। आपने, मैंने ये लाइव स्टूडेंट के साथ में ट्रेड किया था कि ये लाइन टूटेगा तो नीचे की तरफ, और पैसा भी बनाए काफी अच्छा, आई होप आपका भी पैसा बना होगा। और मार्केट जो है एक रिस्पेक्टफुल तरीके से गिरी है, फॉल दिया रिट्रेसमेंट लिया, फॉल दिया रिट्रेसमेंट दिया, फॉल दिया रिट्रेसमेंट दिया, फॉल दिया रिट्रेसमेंट दिया, फॉल दिया। सो प्रॉपर एक चैनल बना के आराम से गिरी है, और अगर आप प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हो तो कैप्चर आपने जरूर किया होगा। टच हो गई है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, फाइनली सब हो गया, ठीक है। बाकी लेवल्स जो ड्रॉ करने हैं वो आपको ऑलरेडी मैंने सिखा दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ। हम क्विकली एनालिसिस करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये फॉल आया क्यों गाइस, ये फॉल क्यों आया, ये फॉल आया उसका रीजन जो था, और मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आपका खुद का टेलीग्राम चैनल है गाइस, इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया। इसके अंदर मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ और आपको हेल्प भी बहुत होती है। हाई फाई सेटअप ने अच्छे खासे पैसे बनाए, मैं आपको दिखा रहा था किधर है, मैंने एक लिंक शेयर किया था, मैंने एक लिंक शेयर किया था, एक न्यूज आई थी, उस न्यूज का लिंक मैंने आपके साथ में शेयर किया था। ये देखो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, दिस वॉज द रीजन वाई मार्केट वॉज फॉलिंग टूडे कंसिडरिंग वट कैन हैपन, फियर फियर। मार्केट को एक रीजन चाहिए था गिरने का, नहीं मिल रहा था, आज मिला। 292 केसेस इन केरला प्लस देवर 3 डेथ विच वॉज रिकॉर्डेड, तो यार ये केसेस तो फिर भी ठीक है, बिकॉज ऑफ 3 डेथ टोल मार्केट हैज टेकन दिस एज नेगेटिव न्यूज। मैं अपने आपको ये न्यूज कब आई थी सुबह, ये 11:58 पर आई है, 12 बजे के आसपास शायद मैंने आपको लेट दिए, कब दिए मैंने 12 बजे के आसपास दिए, देख रहे हो 11:58 पे न्यूज आई है कि भाई ने 12 बजे दे दिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट इतने तेज है, हमारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी बता दिया था कि ये ऐसा इन्फॉर्मेशन आया 12 बजे। यहाँ पर लगाए 12 कहाँ बजे, देखो 12 ये 12 ये गाइस ये है मार्केट, और मार्केट ने इसी टाइम फ्रेम के हिसाब से जो फॉल दिया है यहीं से दिया है। न्यूज आने के बाद में ये क्रैकडाउन आया, और मार्केट में अगर आप यहां से देखें टोटल 700 पॉइंट का फॉल आपको देखने के लिए मिला, क्योंकि मार्केट ने उस न्यूज को नेगेटिव तरीके से लिया, ठीक है। आई होप आपने ये इंजॉय किया होगा। 10 AM यहाँ पर लगा दी जाए डेली के चार्ट के ऊपर, सिंपल रूल फॉलो करते हुए देखो यहाँ पर क्या प्यारा सपोर्ट लिया,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मैक्सिमम 17 कैंडल करती है, 16 कैंडल ने इसको टच कर लिया, ठीक है, 16 कैंडल ने इसको टच कर लिया। निफ्टी भाई साहब क्या बोलूं, देखो क्या बोलती है पब्लिक, यहां से अगर आप देखें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27th कैंडल, 27th कैंडल ने पिन पॉइंट वहीं पर आकर, ऐसा क्यों, कई से टेक्निकल्स होते हैं, कुछ ना रूल्स होते हैं प्राइस एक्शन के, जिसको मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। ये ऑपरेटर्स ने भगाया तो थे, लेकिन कब तक भगाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि कब तक खैर मनाएगी, कभी तो मतलब वही है ना हिसाब किताब आया। अब जो लोग मंथली एक्सपायरी मैंने बोला था 28th का गले से लगा के भी बैठे थे ना, वो भी लॉस में नहीं होंगे, क्योंकि एक ही दिन के अंदर जिस तरीके से फॉल हुआ है प्रीमियम आज पुट का बहुत तगड़े तरीके से बढ़ा है, स्पेशली मंथली एक्सपायरी वाला, ठीक है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर जो सीन हुआ वो तो हुआ, यहाँ पर देखो ये मेरा हाई फाई सेटअप था, ₹3.50 की बाइंग से मार्केट पे मेरा टारगेट ₹60 था, टाइम खत्म हो गया, वरना इसने हाई मारा है ₹58 का, ₹58 का। यहाँ से अगर मैं देखूँ ROI कैलकुलेट करने की कोशिश करो, जहां से इसने हाई मारा गाइस 1400% की ROI, अरे बापरे बाप है यार, मजे आ रहे। मैं अभी फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को, उसका नाम है फिबोनाची हाई फाई स्ट्रेटजी। हाई फाई स्ट्रेटजी इसलिए ये हमेशा 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड देती है। यहाँ पर 1:16 मिला है, क्योंकि मैंने वो स्पॉट के चार्ट पे था जो सेटअप बना था, क्योंकि स्पॉट का चार्ट बड़ा मूव किया और क्योंकि एक्सपायरी थी इसलिए प्रीमियम तेज भागा, लेकिन 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड आराम से देता है। लूज करोगे तो ₹1 पैसे बनेंगे तो ₹5, तो उसके हिसाब से चलता है। चलो एनीवेज डेली कैंडल का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ बिग कैंडल, दिस इज अ बिग कैंडल, ठीक है। नॉट ओनली निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो कैंडल है ऑलमोस्ट 90.90% की जो कैंडल है, इट्स अ वेरी बिग कैंडल। मैंने आपको, अगर मेरे चैनल को आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, अगर आप नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, और मैंने पुरानी वीडियोस के अंदर हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, और वो पसंद आ रहा हो तो ये कमेंट सेक्शन में भी बताना कि यार आप एक हार्ड ड्रॉप कर देना, अगर कुछ लिखना नहीं मतलब लिखना नहीं है, शर्म आती है लिखते हुए, तो हार्ड ड्रॉप कर देना कि आपको पसंद आ रही है। मैंने आपको बोला था जब भी बैंक निफ्टी 350 से ऊपर की कैंडल बनाती है, ठीक है, तो मार्केट 70-80% ऑफ द टाइम गैप अप देती है, ठीक है, और अगर गैप डाउन होता है तो बहुत बड़ा होता है। तो मैं एक बहुत छोटी सी पोजीशन बनाता हूं जिसको जीरो हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आज जो पोजीशन बनाई गई, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आकर, आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 216, यहाँ पर देखना क्लोजिंग, ये देखो 47,216, ये इसकी क्लोजिंग थी। यहाँ पर मैंने क्लोजिंग के टाइम पर 15:29 पर एक छोटी सी पोजीशन बनाई 47,200 की कॉल नेक्स्ट वीक की, आई परचेस्ड इट। और मार्केट में जो क्लोजिंग आई है गाइस, पोस्ट मार्केट कंसोलिडेशन क्लोजिंग आई है, वो आई है 47,445। नाउ ये क्या हुआ, हे जगन्नाथ ये क्या हुआ, ये वो हुआ कि जिन्होंने क्लोजिंग के टाइम पर पुट लिया, ये सोच के कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, कोरोना आ गया है, मार्केट तो नीचे ही जाएगी, उनको 200 पॉइंट की चपत ऑलरेडी लग चुकी है। और जिन लोगों ने कॉल खरीदी जानते हैं कि क्या होता है, क्योंकि देखो गाइस प्रोबेबिलिटी क्या है, 70% गैप अप, 30% गैप डाउन, तो जीतने की ज्यादा चांस कहां पर है, 70% या 30%, वहां पर जाओगे ना जहां पर प्रोबेबिलिटी होता है। जिन्होंने कॉल लिया है, आप समझदार इंसान है, अपनी पीठ थपथपाओ, क्योंकि 200 पॉइंट के प्रॉफिट में आप ऑलरेडी हो। सेम चीज निफ्टी के अंदर हुई है, 50 पॉइंट का ऊपर की तरफ आया, तो पुट लिया है तो 50 पॉइंट नीचे चले गए, कॉल लिया है तो 50 पॉइंट ऊपर की तरफ आ गए। आई होप दिस मेक सेंस टू यू गाइस। लर्निंग कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है, कभी ना कभी काम जरूर आती है, बहुत अच्छे तरीके से वो काम आ भी रही है। ओके नाउ ये हो गया। नाउ एक और चीज जो रह गई है, अब बोलोगे सर गैल रूल का क्या हो, देखो निफ्टी के अंदर तो गैल रूल फुलफिल हो गया है, लेकिन यहां पर
48,226 जो इसका फ्राइडे का हाई था, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। और ज्ञान बोलता है अगेन इसका जो एक्यूरेसी है वो 70-80% है, अगेन ये भी फेल हो सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी दिस साइड है कि मार्केट ये हाई तोड़ेगा। तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल ब्रेकिंग द हाई बाय फ्राइडे, ठीक है। मैं एंटिसिपेट करके चल रहा हूं, तो मैं आपको चुनौती दूंगा। मुझे लगता है कि कल एक गैप अप होना चाहिए, 70% ऑफ टाइम एक गैप अप होना चाहिए। यहां पर आपको जो कैंडल देखने को मिल सकती है वो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, छोटी बने बड़ी बने जैसे मर्जी बने, एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो भाई नेक्स्ट डे मतलब फ्राइडे वाले दिन तेजी का दिन रहेगा, जितना भी गैप रह जाएगा मतलब जितना भी कवर कर लेगा ये समझो कि मार्केट फ्राइडे वाले दिन 48,226 चली जाएगी इफ गैन रूल इज गेटिंग फुलफिल्ड। नाउ आई सेड इफ, व्हाई? बिकॉज ये भी फेल हो सकता है गाइस, ये मत सोच के चलना कि पत्थर की लकीर और अपना घर, ठीक है, अपना ऑफिस, अपने आप को गिरवी रख के ट्रेड मार लो कि ट्रेडिंग तरह ने बोला ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा, नहीं भाई, ठीक है। लेवल्स ड्रॉ करके दे रहा हूँ, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करो, उसके हिसाब से करो लर्निंग जो है प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ट्रेडिंग इज दी सेगमेंट जहां पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जहां पर हायर चांसेस ऑफ विनिंग है आप वहां पर रोल आउट करते हो, उस तरीके से अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड लेते हो तो आप लॉस में कभी नहीं रहते हो। ओवरऑल लॉस होता है, बिल्कुल होता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी लॉस होता है, बट ओवरऑल जब वेन यू आर मेकिंग बिग प्रॉफिट एंड मेकिंग स्मॉल लॉसेस आप ओवरऑल मंथली अच्छी आरओआई लेके जाते हो, ठीक है। तो इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। निफ्टी के अंदर ये फुलफिल हो चुका है, बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है। चलो क्या करेंगे, लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, हमारी जो रेंज बनती है उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करें नहीं, हम करेंगे 445 से ड्रॉ, 445 अरे बाप रे, एक बार मैं कुछ चेक कर लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं करूँ 75% ओके, और यहां से करो 75% यहीं से करेंगे, जहां पर क्लोजिंग आई है मैं वहां से करना चाहूंगा, 75.65 है तो 75 ले लेंगे, इसको करते हैं डिलीट, यहां से लेवल बनेंगे इसके, बाकी सुबह गई जहां पर भी आपका गैप अप गैप डाउन होने वाला होगा मैं आपको एक्स्ट्रा लेवल बना के दे दूंगा। बाकी ये लेवल्स बनाने तो आपको भी आ गए हैं बड़े आराम से, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई वीडियो अभी जाके देखो, ठीक है। अच्छी खासी मेरी पुरानी वर्कशॉप की, पेड वर्कशॉप की वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि मार्केट के अंदर आप ऑपरेटर्स के लेवल को कैसे कैसे जो है यहाँ पर देखोगे तो हाउ टू ड्रॉ ऑपरेटर्स लेवल एंड ट्रेड देम, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ देम एंड ट्रेड देम, ठीक है। 43 minutes की video is the paid workshop video, definitely go ahead and watch that and I'm sure you're gonna love it. और प्यार दे देना, अगर पसंद आए तो लाइक और कर देना वीडियो को, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी आपको जो वीडियो है वो देखने में लगी। निफ्टी के अंदर देख लेते हैं लेवल्स क्या बनेंगे, इसकी क्लोजिंग आई है 150 पॉइंट ऊपर, यहाँ से 75% ऊपर ले लेंगे, इस 75% ऊपर की तरफ, 75% नीचे की तरफ, फटाफट देख लेते हैं आपके कमेंट सेक्शन पे, ये लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूंगा अपने, और खोल लेते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स है जिसके बारे में आपने जानकारी लेने के लिए बोला है। तो यहाँ पर आते हैं कल की वीडियो के अंदर, नीचे कमेंट सेक्शन पे देख लेते हैं कि क्या कमेंट आए हैं। ओके जी, 41 कमेंट्स, ओके
आपका फीडबैक आया है अभिषेक जी, बोलते हैं प्लीज कंटिन्यू ऑल मैसेजेस एंड अपडेट, इट हेल्प देम। तो मैंने आज कंटिन्यू करा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और अविद्रा जी बोलते हैं तरुण भाई इंक्रीज द नंबर ऑफ मैसेज, वी नीड टू लर्न मोर। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग को जस्ट इग्नोर कर दीजिए, यू डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। तो भाई फीडबैक मिलता रहता है गाइस, मुझे भी समझ आता है कि आपको पसंद आ रहे नहीं, वरना मैं फ्रीक्वेंसी मैसेजेस की कम कर दूंगा, ठीक है, ताकि यू नो आप लोग इरिटेट ना हो, जो लोग इरिटेट हो रहे हैं। लोग मिनट टू मिनट अपडेट मांग रहे हैं, अच्छा आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू इट। चलो यो लेवल्स आर हेल्पिंग लॉट, थैंक यू सो मच। जिनने भी जिन लोगों ने भी कमेंट किए, सनी, आदित्य, शैलेश, क्रिकेट, अनिता मैम, आर सिंह, हमजा, हमजा भाई बोलते हैं सर योर कमेंट्स ऑन ट्रेडिंग इज टू गुड एंड परफेक्ट, प्लीज इग्नोर द पर्सन एंड हु इज गेटिंग इरिटेटेड एंड कंटिन्यू इट। या देखो मैं सबकी सोचने की करता हूँ, इसीलिए 22,222 से भी गिर सकता है। हाँ मेरे भाई गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, वो आपका सुपर वीआईपी लेवल हो गया। ओके सीमेंस रिपिक बोलते हैं सीमेंस शॉर्ट टर्म व्यू, ओके एंड मेट्रोपोलिस, दो स्टॉक है मेट्रोपोलिस एंड सीमेंस, तो दोनों देख लेते हैं। पहले सीमेंस देख लेते हैं, SIEMENS इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सीमेंस इंडिया। शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए ना आपको, तो शॉर्ट टर्म एक बार देख लेते हैं इसका। ये ब्रेकआउट था जो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया मार्केट। शॉर्ट टर्म का व्यू देखिए, तो यहाँ पर फिबोनाची लगा सकते हैं हम लोग, बैरिश है भाई शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये डेफिनेटली बैरिश है, इन लेवल्स पर दोबारा आना चाहिए। 786% को भी अगर ये तोड़ देता है, तो कल अगर ये 3880 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो 3781 के आसपास के लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार 4 आवर्स पे देखूँ तो देखो, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश इसके अंदर करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 3861 के आसपास तो ये आ ही रहा है, नीचे आ गया, ये यहां तक गिरेगा। अगर 38% पे सपोर्ट ले गया तो ठीक है, ले जाना चाहिए, वरना ये डिपेंड करता है, आपको देखना पड़ेगा सेटअप जो बनेगा। 3861 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है कि नहीं, 3743 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, वरना ये लास्ट रिजॉर्ट बनेगा, यहाँ से इसको बाउंस मारना चाहिए। तो ये यहाँ से उठे या यहाँ से उठे, वहाँ से गिरना चाहिए। बट अगर आप पूछोगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये बैरिश ही है अभी फिलहाल, 3861 तक जाना चाहिए, वहाँ के आसपास डेफिनेटली जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए दिस इज बैरिश। दूसरा पूछा है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, खुल जाओ सिम सिम। ए भाई ट्रेडिंग व्यू पैसे लिए खुल ना के लिए। मेट्रोपोलिस आपने लिखा नहीं है कि शॉर्ट टर्म का चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, लेकिन अगर आप फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं तो परफेक्ट बाउंस मारा है मेरे भाई, बुलिश है, 1700 के लेवल टच करने चाहिए, इसको किए नहीं है अभी तक इसने, ये वापस जरूर आ गया है, लेकिन 1700 के लेवल मुझे लगता है कि इसको टच करना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म व्यू तो इसका बुलिश ही है, 1700 के आसपास के लेवल टच करना चाहिए। बढ़िया, यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया था, अभी अगर आप देख रहे हो तो ये वीकली या मंथली चार्ट के ऊपर कुछ ये बना रहा है, वीकली पे कर रहा है, मंथली पे कर रहा है, कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है,
ये एक फॉल देखिए ना, कपल का फॉर्मेशन है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये इंपैक्ट 1700 के ऊपर और बोलिश हो सकता है मेट्रोपोलिस, ठीक है। खुल नहीं रहा भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं बुलिश। तो अगर आप ट्रेड के अंदर हो तो 538 537 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हो, वरना यार वो नीचे भी आता है तो ये गोल्डन जोन है, बुलिश ही है मार्केट में, तो लॉन्ग टर्म व्यू मेरा इसका बुलिश आपका रहने वाला है, ठीक है। दोनों स्टॉक्स मैंने बता दिए, ठीक है गाइस। If in case you would like to know the analysis of your stock, please comment under this video. कि आप short term view चाहते हैं, long term view चाहते हैं, मैं stock के नाम के साथ मैं उसका analysis involve करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। साथ के साथ जरूर information guys, दो लोग सब कुछ basic to advance सीखना चाहते हैं, they can join 7th January batch which is happening on online. अपने घर के comfort में आप आराम से trade कर सकते हैं, trading ले सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वो लोग जो स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी करना चाहते हैं, गाइस स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, इसके रिजल्ट आपको रोज मिल रहे हैं, लोगों को अगले दिन ही मिल रहा है। स्विंग ट्रेड छोड़ दो, पांच छह दिनों की तो मैं होल्डिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लोग अगले दिन ही इतना पैसा बना लेते हैं कि वो बुक कर लेते हैं। तो आज भी सुबह सुबह मुझे बहुत लोगों की मैसेज आया, ब्रेकफास्ट हो गया बिकॉज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आज कोई सेटअप बना नहीं है किसी स्टॉक का ONGC को छोड़ के, लेकिन आपको अक्सर स्टॉक्स जो है अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो ये आपको आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ट्रेडिंग विद तरुण आप सर्च कीजिए, एंड्रॉइड अगर आप फोन यूज करते हैं तो ट्रेडिंग विद तरुण को सर्च कीजिए अपने एंड्रॉइड के फोन के ऊपर और डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। अगर आप iOS यूजर हैं, आईफोन को यूज करते हैं, तो ऐप स्टोर में जाकर टाइप कीजिए माई इंस्टीट्यूट, और माई इंस्टीट्यूट टाइप करने के पश्चात आप डाउनलोड कीजिए माई इंस्टीट्यूट को, और वहां पर ORG कोड आपसे मांगा जाएगा, वहां पर आप टाइप कर सकते हैं UXMVT, ठीक है। अगर आपके लिख के भी देता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन कोड इज UXMVT, ये आप डाल करेंगे, एप्लीकेशन का जो है वो लोगो चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा माई इंस्टीट्यूट से, इट विल बी ट्रेडिंग विद तरुण, और आप उस एप्लीकेशन को iOS के डिवाइस के ऊपर भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और वो आपको सारे कोर्सेज वहां पर मिल जाएंगे जो भी हैं, आप अपनी सुविधा के नाम से ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से परचेस करके लर्न कर सकते हैं, बिकॉज लर्निंग इज द ओनली वे टू अर्न गाइस, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो, आई थिंक टुमारो इज अ गुड डे फॉर ट्रेडिंग, और अच्छा दिन होने वाला है, और कल मुलाकात करेंगे और वहीं से ट्रेडिंग करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, टेक केयर।